स्टूडेंट्स, मैं हूं फहद इकबाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस जो हम लोगों ने काम किया उसे रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने यूनियन के बारे में पढ़ लिया है, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ लिया है, डिफरेंस और कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब स्टूडेंट्स हमने इन्हीं पर इंटरसेक्शन और जूनियर और डिफरेंस पर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज परफॉर्म कर ली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब स्टूडेंट्स हमने यही प्रॉपर्टीज यूनियन की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज पर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उन ऑपरेशंस पर हमने इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन स्टार्ट कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास कोई सी दो सेट इफ वी हैव एनी टू सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई से दो सेट ए और बी हो तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यानी ए और बी का यूनियन करेंगे, पहले ए को फर्स्ट लेंगे बी को सेकंड लेंगे, और दूसरी तरफ हम बी को फर्स्ट लेंगे ए को सेकंड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या होगा? राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। एक एग्जांपल से मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। ए आपके पास है 1, 2, 3 और 4, बी आपके पास है 2, 3 और 5। अब देखिए हमने क्या वेरीफाई करना है, हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमने ये वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए? बी यूनियन ए के इक्वल होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? ए यूनियन बी। अब देखिए सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स को लिखिए। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3 और 4 यूनियन का सिंबल। सेकंड हम लिखेंगे सेट बी के एलिमेंट्स को, बी के एलिमेंट्स क्या है? 2, 3 और 5। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि यूनियन मींस यूनाइट, यानी दोनों जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसको हमें लिखना होता है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट मोर देन वन टाइम आ रहा हो तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2, 3, 4 और 5। अब ये देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सिमिलरली अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड आपके पास है बी यूनियन ए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले बी उसने दिए हैं, तो हम पहले किसके एलिमेंट्स लिखेंगे? बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स आपके पास क्या है? 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 यूनियन ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 से लेके 4 था, 1, 2, 3 और 4 वही रूल यूनियन का है कि दोनों सेट ऑफ एलिमेंट्स को कॉमन लिखते हैं और जो एलिमेंट इसमें मोर देन वन टाइम आ रहा होता है उसे सिर्फ हम वन टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसको आप इक्वेशन 1 बना दें, इसको आप इक्वेशन 2 बना दें बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब देखिए हमें ये भी प्रूव करना था कम्यूटेटिव ऑफ यूनियन क्या है, कि कोई से दो सेट होंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए हमने एक एग्जांपल से इसको प्रूव किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया तो उसका आंसर आया वही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का आ गया। तो
कम्यूटेटिव का अंडर यूनियन और कहते हैं ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर। अब नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव का। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। स्टूडेंट याद रखें, कम्यूटेटिव में हमारे पास सिर्फ दो सेट होंगे ए और बी, जबकि एसोसिएटिव में हमारे पास सेट दो से बढ़ जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? फॉर एनी थ्री सेट ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी, आपके पास क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब देखिए तीन सेट्स है। स्टूडेंट एक चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये जो मिडल एलिमेंट है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास पेयरिंग में इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले ये पेयर बनाएगा लास्ट वाले एलिमेंट के साथ कि B और C का यूनियन करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन हम A के साथ करेंगे, जबकि जो राइट हैंड साइड है उसमें हम लोग करेंगे A और B का यूनियन करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसे हम C के साथ यूनियन करेंगे। और अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि एसोसिएटिव का अंडर यूनियन और सेट है। तो चलिए स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। मैं कोई भी तीन सेट ले लेता हूं, ए ले लेता हूं 1 2 3 4 और 5, बी में ले लेता हूं 1 3 और 5 और सी में ले लेता हूं 2 और 4। अब देखिए हमने क्या वेरीफाई करना है, हमने ये वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए स्टूडेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले आप ए सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या है आपके पास? 1 2 3 4 और 5 यूनियन, देखिए बी और सी के लिए ब्रैकेट है और इसी तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। अब बी के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 3 और 5, दरमियान में यूनियन के सिंबल, लास्ट पे आप सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 और 4। अब जिस तरह से आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के एलिमेंट होंगे उनका यूनियन या इंटरसेक्शन जो वो प्रॉपर्टीज मांग रहा होगा पहले बोल देंगे। तो यहां से यूनियन मांग रहे तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है इसका यूनियन करेंगे 1 2 3 4 5 यूनियन। स्टूडेंट यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम सब एलिमेंट्स लिखते हैं और अगर कोई एलिमेंट मोर देन वन टाइम आ रहा हो उसे वन टाइम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, इसकी मैंने एक अरेंजमेंट दे दी। अब देखिए इन दोनों सेट्स का यूनियन करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 का डिटेल आ जाएगा, क्योंकि दोनों में ये दोनों एलिमेंट्स मौजूद है। यूनियन की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिखते हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट मोर देन वन टाइम आ रहा हो तो उसकी यूनियन में सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है कि सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। अब देखिए ये आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, अब इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड स्टूडेंट आपके पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ब्रैकेट आपके पास ए यूनियन बी की कितने है, तो पहले आप लोग ए यूनियन बी को सॉल्व करें तो उसका जो आंसर आएगा उसे आप लोग सी के साथ यूनियन करें। तो ब्रैकेट में शुरू कर रहा हूं, ए के एलिमेंट्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 और 5 यूनियन, बी के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट आपके पास क्या है स्टूडेंट 1 3 और 5 1 3 एंड 5। अब स्टूडेंट सी के एलिमेंट्स देखे, सी के एलिमेंट आपके पास क्या है 2 और 4। अब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, अब यूनियन में सब इकट्ठे हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5 और जो मॉडल वन टाइम होंगे वो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। और अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, आपके पास ये सेट आ गया, अब इसका यूनियन कर देंगे सी के साथ।
सी के जो एलिमेंट्स हैं अब वो इसी तरह से आ जाएंगे। अब देखिए ये सेट 1 2 3 4 5 ये 2 और 4 यूनियन में सारे इकट्ठे होंगे। अब देखिए 2 और 4 आ जाएंगे यहां मौजूद है तो आप इसे सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब जरा गौर करें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 और 2 से आपको क्या 2 हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है by 1 and 2 a union b union c is equal to a union b union c। iska kya matlab hai ki associative law under union sets pe hold karta hai। to student ye to ho gaya associative law। ab aage hum baat karte hain identity property। अब स्टूडेंट आगे हम बात करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यूनियन के राज से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज अ स्पेशल नंबर। अब देखिए जिस तरह से हम सिंपल डिजिट्स की बात करें तो जीरो आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर में अगर ऐड कर दें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं 1 प्लस 0 कर दूं एडिशन में तो आपके पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। 10 प्लस 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा 10। 100 प्लस 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा 100। इसका क्या मतलब है जीरो आपके पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो आपके पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है 1 आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। किस तरह से अब देखिए यहां पर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं आपके पास क्या आ गया 10। अब 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं आपके पास क्या आ गया 100 आ गया। अब 1 वो स्पेशल नंबर है जिसे किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। आइडेंटिटी वो यूनिक नंबर है जो किसी भी नंबर में अगर ऐड हो तो वही नंबर दे देगा। अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर ही वापस आ जाएगा। तो 1 आपके पास क्या हो गया तो ये तो स्टूडेंट सिंपल नंबर एडिशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटीज की बात की है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो किसके साथ रिलेटेड है रिलेटेड टू सेट्स। तो हमने किसकी आइडेंटिटी के बारे में बात करनी है सेट्स की आइडेंटिटी के बारे में बात करनी है तो सेट के बारे में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट सेट्स में हमारे पास और देखिए हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की बात कर रहे हैं। एम्प्टी सेट empty set acts as identity for union। union में identity आपके पास क्या होगी empty set। क्यों empty set को आप किसी भी set में अगर add करेंगे तो आपको वही set दोबारा मिल जाएगा। example देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी सेट ए हो उसको आप अगर यूनियन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। एम्प्टी के ये भी अलामत है और ए का आपके पास एम्प्टी की अलामत ये भी है। एग्जांपल के साथ इसको प्रूव कर देता हूं मैं। अब यहां देखें सेट ए के एलिमेंट्स मैं ले रहा हूं 1 2 और 3 और दूसरा आपके पास क्या है एम्प्टी सेट है। अब ए यूनियन एम्प्टी सेट करेंगे 1 2 3 यूनियन एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या है यहां एम्प्टी सेट को सेट की फॉर्म में लिख देता हूं ये। अब देखिए यूनियन में आपने एलिमेंट्स को कॉमन लेना होता है इसमें कोई एलिमेंट्स हैं नहीं है तो आपके पास कौन सा सेट आ जाएगा आपके पास सिर्फ सेट ही वापस आ जाएगा 1 2 3 तो ये आपके पास क्या है ये तो आपके पास ए ही आ गए। तो यही चीज जानी प्रूव की कि एम्प्टी सेट आपके पास
आइडेंटिटी एक्ट करेगा किसमें, यूनियन में। एवरी सेट किसी भी सेट के साथ यूनियन करेगा तो वही सेट दोबारा से मिल रहा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई आपके पास यूनियन की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। स्टूडेंट जो प्रॉपर्टीज हमने यूनियन में वेरीफाई की है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने इंटरसेक्शन में भी वेरीफाई करनी है। सेम वे यहां पर पहली प्रॉपर्टी हमने किसकी वेरीफाई करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई से दो सेट होते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, के ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होना है। इसको हम प्रूव करते हैं क्या है ये आइडेंटिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। ए के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 और b के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 3 और 5। अब हमने क्या प्रूव करना है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a इंटरसेक्शन b। पहले सेट a के एलिमेंट्स लिखे 1, 2, 3, 4 और 5 इंटरसेक्शन, बाद में सेट b के एलिमेंट्स लिखे। स्टूडेंट आपको पता है के यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स कॉमन लिखते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपके पास क्या आ रहा है, दोनों सेट में क्या कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है। तो कॉमन का सेट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 3 और 5 आ गया, ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी। राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, b इंटरसेक्शन a, तो सबसे पहले b सेट लिखेंगे 1, 3, 5 इंटरसेक्शन, उसके बाद ए सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और